8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गांव के ही 17 वर्षीय नाबालिग ने घटना को अंजाम दिया है। गंभीर अवस्था में परिजन लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। टीकमगढ़ जिले के बुंडेरा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम श्यामपुरा में 8 वर्ष की बालिका के साथ युवक ने दुराचार किया है। गंभीर हालत में देर रात बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने बच्ची के पिता के बयान पर आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस टीम के साथ देर रात बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम ने बच्ची पर उपचार कर उसे भर्ती कर लिया है। फिलहाल बच्ची को जिला अस्पताल में मेटर्निटी वार्ड में रखा गया है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। कहाँ के हैं आप? श्यामपुर। क्या हो गया? जो होगा, महाराज की बच्ची गई थी मैंने दर्शन कर, दर्शन कर में भोज भी हत, उस भोज में वो लाए काने कही के मिलने नहीं है, भोज वो बंद हैं, माने आज नहीं होने कल होने भंडा हो, चलो घर में होने, और ट्रैक्टर है सुबह अबेर हो जाने, सुबह वो लड़का माने लुवा लेगा वो बिटिया हूँ, माने मैं इतना शंका जी से माने अकेले इतना माने तो उत्ते में महाराज बाबा कही के माने का होगा का होगा कही के माने एक किताब है लेकर लड़का माने किताब लेके भगा माने कमेठी की सुबह माने फे फर तो पहु कही के यहाँ एक श्यामपुरा की बिटिया एक लड़का माने जे माने बलात्कार कहते सुबह वो कमेठी में पकड़ ला लड़का खो मोड़ी यने कमेठी भगी पे कमेठी के सुबह में हो गए तो मन लाल कुमार ने मोड़ी खो और एक भूरा ने माने मिसाई के भूरा ने माने बोलो आके मोटरसाइकिल पे वो जिस पट्टम पे जी दवाई का आवावे प्राइमेट की दवाई का आवावे भगे जे कि जी करवा दे में हमें पते नहीं ना हमें पते पे हुआ हमने तो कहा हम माने नहीं गए तो फे घाय माने भगे घाय से फे भी जी माने अजन वालवा ले गए माने दवाई करवा लो तो दवाई नहीं करवाई उनने दवाई करवा के फिर बोले कल लेके आप इतना नहीं हुई दवाई वो कल लेके माने बड़ा गांव चलो बड़े गांव हो जाए तो बड़े गांव माने तलाशी कल लेके नहीं हो रहे फिर है तो फिर भाई भाई मैं इतने मन तक माने आए कल हो जाने फिर बोले कल लेके माने दवाई तो हो रहे हैं मुखिया वो दवाई करवाऊने वो दवाई होने तो 2 लाख रुपया ले लो वो तुम माने जा कह दो कि मोटरसाइकिल पे ऐसा गिर पड़ी है तो माने जो जो हो गया है हमने की महाराज इतनी नहीं कि ऐसा करा नहीं हमें भी 2 लाख नहीं चाहने 4 लाख नहीं चाहने लड़का की वो जिंदगी भर का हमारे बारे में जन्म मोड़ा 15-17 साल का उगे दाग लग गया मोड़ी को माने लग गया कि माने उसी से माने पूरी जिंदगी बेकार होगी महाराज जो होगा है सुनो कुमेठी में से माने होता है वो लड़का वो कल भगा दो कुमेठी बांधने छिंदपुर के माने कुमेठी से हैं अपने मन से पता लगा लो तो सब माने अब होते ऐसे माने हम तो जगह जी कल रात के आ गए थे तो माने कल के बुढ़िया जा सुबह जो तक तो रेबू कहो को बाप रेबू करो वो माने मोहन लाल कुमार सरपंच रेबू करो हैं वो लल्लू राजा कुड़ियाला को बोल रेबू को लल्लू राजा ने जाके के 2 लाख रुपया ले लो मुखिया वो तो माने इको जो कछु नहीं करो इके माने बदनामी सदा नहीं करो ने उड़ाओ नहीं हबो 2 लाख रुपया ले लो वो तो माने कह दो कि मोटरसाइकिल पर से गिर पाई सो मोड़ी से जब हो गई माने सुबह दवाई भाई जा तो हमने कही महाराज हम नहीं माने हमें तो माने नहीं हुए रपोर्ट में चढ़ा सो तो रपोर्ट में कहा सो फेंको नहीं कहा महाराज से माने बिटिया दमान खोजा कहा माने अब दमान गाओ नहीं पा 3 बजे रात के माने निपटे थे तैसे से माने 3:30 ही 3:30 बजे से 3:30 बजे काम बा माने लल्लू कौन है वहाँ का जो जो बोल रहा आपसे वो कुड़ियाला को है माने कौन है ये ब्याह है ठाकुर है वो तो कौन है सरपंच है कौन है क्या हाँ इतने को कछु नहीं बताते ब्याह हुआ है ससरा आया हाथी बच्चा किसका था ये जो है बबलू बबलू को बबलू कौन बबलू लोधी बबलू लोधी हाओ ये क्या है वहाँ के माने उनको माने कितने के दुष्कर्म की वारदात सामने आई जी जी क्या पूरा मामला है क्या क्या कार्रवाई की ये कल की घटना है कल शाम के 3 बजे के अपराह्न की लगभग घटना है बगाज माता मंदिर में कुछ लोग भंडारा करने गए थे वहाँ के श्यामपुरा गांव के थाना बुढ़ेरा के वहीं पर एक नाबालिग बालिका के साथ में उसी गांव के नाबालिग लड़के द्वारा जो है दुष्कृत किया गया है जिसकी सूचना पुलिस को जो है रात को मिली थी तुरंत FIR कायम जैसे ही सूचना मिली तो उसको अपराध पंजीबद्ध थाना कोतवाली में किया गया 376 और 506 और बाक्सू एंड के अंदर कार्रवाई की गई क्योंकि दोनों नाबालिग थे तो इस पर से उसका इलाज जिला अस्पताल में बाकायदा करवाया गया मेडिकल करवाया गया
अभी इलाज रख दी है। आरोपी की तलाश की गई जो अभी दस्तयाब हुआ है और उसको अभी हम न्यायालय में विधिवत पेश कर रहे हैं और इसमें जो भी संभव होगा हम पीड़ित की मदद करने को अपनी तरफ से और जिला चिकित्सालय की ओर से प्रयास करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।